नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जनयात्रा टीवी। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली जिले का नाम रोशन करने वाले तीन होनहार छात्रों को जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बधाई दी और साथ में आए उनके भाई उत्कर्ष श्रीवास्तव, जिसकी 78वीं रैंक आई, उसकी सफलता का भी राज बताया। वही रायबरेली जिले के तीन सफल होनहारों में अर्णव मिश्रा 56, आदित्य प्रताप सिंह 341, दार सिंह 432, सभी को शुभकामनाएं देते हुए लोक सेवा के रूप में देश की सेवा करने की भी बधाई दी। अपना मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। मैं मूल रूप से रायबरेली का निवासी हूँ और मेरी स्कूलिंग बाराबंकी से हुई थी, जिसके बाद मैंने लॉ की शिक्षा प्राप्त की कोलकाता से, और अभी 4 साल से रायबरेली में था लॉकडाउन के बाद से, और रायबरेली से सिविल सर्विसेज की तैयारी की, जिसमें मेरी रैंक 341 आई है। और इस अटेम्प्ट में आपने सिविल सर्विस निकाली, कौन सा अटेम्प्ट था जी? ये मेरा पहला प्रयास था, पिछले साल ग्रेजुएट हुए थे तो 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट था। यहाँ तक पहुँचने में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किन का सहयोग रहा? सबसे बड़ी कठिनाई तो मेरे पापा ही पास्ड अवे, वो 2018 में एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद फिर फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, नाना जी के यहाँ रहते थे और मेरी दीदी ने काफ़ी मार्गदर्शन किया। कहूँ तो एक कंसिस्टेंसी का एक ही शब्द है, कंसिस्टेंसी, लगे रहना। मतलब कई बार इस जर्नी में उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार हार होती है, कई बार जीत होती है, बस उस दौरान हम जब भी हारते हैं तो हमें बस ये याद रखना चाहिए कि हमें आगे बढ़ते रहना है। जो कर्मयोगी का एक फॉर्मूला है कि हमें कर्म पे ध्यान देना है और फल की चिंता बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, तो अगर आप अपने कर्म पे डटे रहेंगे तो आई एम श्योर कि किसी ना किसी फॉर्म में वो सक्सेस आपको मिलेगी, वो किसी आप कहीं ना कहीं ज़रूर सक्सीड करेंगे। जी, जो हमारी इस समय की DM मैम हैं, माला श्रीवास्तव मैम, उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी और वो इतना अच्छा जो काम जिले में कर रही थी, वो काम मुझे हमेशा से इंस्पायर करता था, क्योंकि मैं रायबरेली में रह के प्रिपेयर कर रहा था और मैं न्यूज़पेपर्स में वो काम पढ़ता रहता था, तो तब मुझे रियलाइज़ होता था कि जो इम्पैक्ट होता है एक सिविल सर्वेंट जो है, जो कि एक इंसान के जीवन में डाल सकता है, वो एक इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अगर ये मौका कभी मुझे मिलता है भगवान की दया से, तो मैं कितना काम कर पाऊंगा और देश की सेवा में कितना एफर्ट कर पाऊंगा। कल UPSC का रिजल्ट आने के साथ ही ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का पता चला जिन्होंने सफलता पाई है, और हमारे रायबरेली जनपद से भी 3 बच्चों ने इसको पार किया है। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। आगे का सफ़र भी एक चैलेंज है, आम जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते रहना, डटे रहना सच्चाई की और अच्छाई की राह पर, यही मैं उन सब लोगों को कहना चाहती हूँ। ये एक शुरुआत है, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मेहनत की होगी और बहुत लगन रही होगी दिल में, जो उन्होंने लक्ष्य साधा, जो मन में इच्छा थी, आज उनको ये अवसर प्राप्त हुआ है, सफलता मिली है, तो हमारी तरफ से उनको बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस सफलता में जिनका भी योगदान रहा, उनके माँ बाप का, उनके परिवार का, उन सबको भी बहुत सारी बधाई है। और यही कहना चाहूँगी कि आगे बेहतर से बेहतर करते चलें, ताकि आम लोगों की दुआ में हमेशा उनका नाम रहे। खासकर आपके भाई उत्कर्ष, खासकर आपके परिवार और आपका क्या सहयोग रहा? मेरे भाई IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने ये एग्ज़ाम भी साथ में दिया था, और हमारे परिवार में क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा था, तो बचपन से ये एक तमन्ना रही है कि एक ये सेवा ऐसी है, पब्लिक सर्विस एक ऐसा अवसर देती है जब हम बहुत सारे लोगों के जीवन पर व्यापक स्तर पे कुछ कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, और ये चाहत हमेशा से मेरे और हमारे परिवार में सबके मन में रही है। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।